ओलंपिक की बहुत तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कोई 5 से लेकर 6 बहुत अच्छे पोटेंशियल स्केटर्स हैं जो 2024 में यूथ ओलंपिक्स हो रही है कोरिया में, हम उनकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्वालिफिकेशन होता है। कोविड की वजह से हमारा एक साल खराब हो गया और बच्चे स्केट नहीं कर पाए, पर अब जो बचा हुआ समय है उसमें हम बता रहे हैं कि हम जल्दी अपनी ये टीम को पॉइंट सिस्टम में और आगे लेकर के जाना चाहते हैं। यहाँ पे विंटर नहीं है, वहाँ से भी लोग आके यहाँ पे जीत रहे हैं, तो इसको लगता है कि हमारे भारत और कितना टैलेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पहले जो हमारी एसोसिएशन, हमारी टीम है, हमारे सेक्रेटरी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम एक टीम होकर के अब इसको और आगे भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए आइस स्केटिंग के बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल द प्लेयर्स हमसे एक प्लीज क्लियर द रिंग कर सकते हैं। तो टीम तेलंगाना मेरे शुभकामना है, टीम उत्तराखंड, टीम एसोसिएशन की टीम। ऑफ इंडिया गांव की घोष दिल्ली तक यह आइस स्केटिंग का रिंग है और इस समय हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका होने का मतलब है कि अब आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक स्टेप आगे बढ़ करके ओलंपिक से भी जुड़ गया है। कैसा लग रहा है आइस स्केटिंग ऑफ इंडिया का? पेरेंट्स, कोचेस, प्लीज क्लियर द रिंग। मुझे लगता है कि विंटर स्पोर्ट भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए आइस स्केटिंग के बहुत बड़ा भूमिका रहेगा और आई रिक्वेस्ट यू ऑल द प्लेयर्स हमसे एक प्लीज क्लियर द रिंग कर सकते हैं। तो टीम तेलंगाना मेरे शुभकामना है, टीम उत्तराखंड, टीम एसोसिएशन की टीम हरियाणा कि ओलंपिक में इस बार साफ तौर से चयन होकर विंटर गेम्स का भी हो रहेगा। प्लीज क्लियर द रिंग। विंटर गेम्स हो रहा है अभी कश्मीर में, अगले महीना होगी और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आएंगे विंटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और जो कि भारत के लिए अच्छा है। एक बड़ी बात है, देहरादून में एक रिंग ऐसे ही जम पड़ी हुई है मेंटेनेंस के कारण, तो क्या लगता है आप जैसे मेंबरान जो खेल प्रेमी है आगे बढ़कर के उसको चालू करवाने की शुरुआत करेंगे? नहीं देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक अच्छा कहीं भी यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की सदुपयोग करना बाकी है तो उसका करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि होगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खिलाड़ियों ने बड़ी मशक्कत करके मेडल जीता है और हर मेडल में कहीं ना कहीं आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का या वेल ऑर्गेनाइज्ड खेल रहा है। इस खेल के पीछे आखिर क्या क्या कहानी रही, कौन कौन से लोग रहे और किसकी कितनी भागीदारी रही, इसकी हम पूरी तरीके से बातचीत करेंगे यहाँ मौजूद अतिथियों से। हमारे बीच में एक ऐसा नाम मौजूद है जिसका सिग्नेचर खिलाड़ियों के लिए मायने रखता है, तो कैसा लग रहा है नारंग जी आज का आयोजन? बहुत ही अच्छा है, एक नया स्पोर्ट देखने को मिला। मेरा मानना है कि कई सारे स्टेट से यहाँ पे विंटर नहीं है, वहाँ से भी लोग आके यहाँ पे जीत रहे हैं, तो इसको लगता है कि हमारे भारत और कितना टैलेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको, जितना और ने बनाया था समर एशियन गेम्स के लिए। हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि इंडियन ओलंपिक उसको दोबारा बहाल किया जाए और हमारे स्केटर्स के लिए वो हमारे को एक प्रोविजन मिले कि आप वहाँ पे काफ़ी लो कॉस्ट पे वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। तो इसकी मुहिम अब हमने छेड़ी है एसोसिएशन की तरफ से भी और इंडियन ओलंपिक की तरफ से भी और उत्तराखंड सरकार से ऑलरेडी हमारी इस बारे में बातचीत चल रही है और हमें ये इस बात का काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि बहुत शीघ्र है बहाल किया। सर, क्या आप इसे सरकार की फेलियर मान के चल रही है? 10 साल लगभग हो चुके हैं अभी तक बंद पड़ा हुआ है। देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट किया जाता है वो किसी परिस्थितियों में और किसी पर्टिकुलर गेन के लिए किया जाता है,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, उसमें गेम्स की हुई और बहुत अच्छी गेम हुई। सरकार ने बहुत अच्छा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्केटर्स पेरेंट्स प्लीज क्लियर द रिंग। अब इसको दोबारा से चलाने की बात। तो अब कैसा लग रहा है अमिताभ जी, जब आप खुद आइस स्केटिंग इंडिया के एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, आपने एक बढ़िया आयोजन किया है और आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी ताल्लुक रखते हैं, तो ये जो बंद पड़ी रिंग है हर जगह, और जैसे मध्य प्रदेश में रिंग है ही नहीं है, खिलाड़ी बहुत है, तो वहाँ के लिए आप लोग क्या करेंगे? ये बहुत एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट रहता है। अब हम ने ये मुहिम चलाई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मेरे को ये मेरा ये मानना है कि बहुत शीघ्र इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है खास करके आइस स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक अच्छी सौगात मिलने वाली है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। और अब हमारे बच्चों को, हमारे खिलाड़ियों को कम से कम उस सूखे का नहीं देखना पड़ेगा ज्यादा दिन, और अब वो आइस जो है बहुत जल्दी मिलेगी उन्हें अपने स्केट। यूथ ओलंपिक होने वाले हैं कोरिया में 2024 में, तो क्या पार्टिसिपेशन रहेगा विंटर गेम्स का? हम लोग ओलंपिक की बहुत तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कोई 5 से लेकर 6 बहुत अच्छे पोटेंशियल स्केटर्स हैं जो 2024 में यूथ ओलंपिक्स हो रही है कोरिया में, हम उनकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्वालिफिकेशन होता है। कोविड के वजह से हमारा एक साल खराब हो गया और बच्चे स्केट नहीं कर पाए, पर अब जो बचा हुआ समय है उसमें हम बता रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी अपनी ये टीम को पॉइंट सिस्टम में और आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो अब चूंकि आपने नया नया एंट्री मारा है इस एसोसिएशन में, तो क्या लग रहा है जो गड़बड़ झाले थे वो सब सही होंगे, ट्रैक पे आएगा सब कुछ? वैसे तो कोई गड़बड़ झाला ऐसा था नहीं, पर ये बहुत सारी एक नई ऊर्जा मिली है एसोसिएशन में, एक नई ऊर्जा डालने की बात है एसोसिएशन को देने की बात है। और मेरा ख्याल है जो हमारी एसोसिएशन, हमारी टीम है, हमारे सेक्रेटरी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम एक टीम होकर के अब इसको और आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, और इन्होंने जिस तरीके से बात की है, अगर ऐसा हुआ तो जमीन खेलिए खिलाड़ियों के लिए तैयार मिलेगी।